हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं मार्च 2022 एग्जाम के लिए? तो बीएसआई एकेडमी की स्पेशल प्लान लेके आइए, 60 डे प्लान। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इन 60 दिनों की यात्रा में शामिल होने के लिए? यानी 60 डे है हमारे पास, इन डे में हम कैसे तैयारी करेंगे, पूरा कंप्लीट प्लान है। चलिए तैयार हैं तो आगे समझते हैं क्या प्लान रहने वाला है। यानी आर यू रेडी फॉर जॉइन अस ऑन दिस 60 डे जर्नी? यानी 60 डे की जर्नी में अगर आप पूरा प्लान समझ लेते हो तो रियली में आपको खुद फील होगा, या फिर आप जो हमारे स्टूडेंट है चाहे तो उन्होंने 60 डे का प्लान के साथ 60 डे की जर्नी चाहे तो अक्टूबर में तय की हो या फिर दिसंबर में एग्जाम के लिए तय की हो, उनको पता चल गया होगा कि कैसा सर का प्लान रहता है 60 डे में। एक बार में आप सभी को भी बता देता हूं कि मार्च के लिए कैसे हमारा प्लान रहने वाला है। तो 60 डे के प्लान में हम इस पूरे जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करने वाले हैं। पहला फेज है हम टारगेट को सर्च करेंगे, दूसरा फेज है टारगेट को लॉक किया जाएगा, और थर्ड फेज में टारगेट को करेंगे फिनिश। अब इन टारगेट में कैसे कैसे तीनों फेज में स्टडी रहेगी, उन पैटर्न उनको डिटेल में समझते हैं। पहला फेज है सर्चिंग टारगेट्स, यानी उन टारगेट को सर्च करने के लिए हमें 3 टूल की जरूरत पड़ेगी, थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। ये जो फर्स्ट फेज रहेगा 30 दिन का रहेगा। सेकेंड फेज में जो हमें टारगेट लॉक करेंगे, टारगेट लॉक के लिए जो हमें टूल की जरूरत पड़ेगी वहां पर रिविजन नोट्स और क्विज, वो भी टॉपिक वाइज वाले, ठीक है। लास्ट आपका फेस है थर्ड फेस, जिसमें हम लास्ट के 15 डेज में उसको अचीव करेंगे, उसमें मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर एज अ क्विज और रिवीजन नोट्स। अब इनमें कैसे कैसे डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले फेस में तो हम 3 जो टूल हमने पढ़े, थ्योरी, यानी अगर आपका जो टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी भी कराएंगे, वीडियो आपका पीडीएफ दोनों भी में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ में उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। प्रैक्टिस सेशन यानी क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन आपको वीडियो में भी मिलेंगे, लाइव डेमी कराएंगे और आपका पीडीएफ में भी दिए जाएंगे, जहां से पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो। यानी इस फर्स्ट फेज में हम ये समझेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से और कितना वेटेज रहता है, उसी टॉपिक को उतना ही टाइम देंगे। यानी आपने सिलेबस देख लिया होगा कि ये सिलेबस होता है, लेकिन आपको एक्चुअली में नहीं पता कि पर्टिकुलर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जब आपको पता होगा उसी हिसाब से तो आप टाइम दे पाओगे उस पर्टिकुलर टॉपिक, पता ही नहीं तो टाइम कैसे दोगे। और जिसके अंदर स्टडी करे उनको खुद ही को नहीं पता आपको क्या बताएंगे। यानी फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर कमांड की जाएगी कि आपका टॉपिक अच्छा है कि नहीं है। एग्जाम तो छोड़ दीजिए, एग्जाम को तो बाद में फिनिश करेंगे, क्लियर है। दूसरे फेज में हम अगले 30 दिन, यानी अगर आप 5 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 15 यानी 5 फरवरी तक ये मान के चलिए कि हम लगभग लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे विद इन 30 डेज में, ठीक है। अगले फिर 15 दिन जो रहेंगे उनमें हम टारगेट को लॉक करेंगे, टारगेट लॉक के साथ जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स के साथ क्विज में प्रैक्टिस करेंगे। जब आप क्विज का प्रैक्टिस करोगे तो क्विज में कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो उनको रिवाइज करने के लिए आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, उस नोट्स के साथ आप रिवीजन करोगे, फिर नेक्स्ट क्विज पे जाओगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्विज पे जाओगे सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे ऐसे करके आप आराम से हर टॉपिक को अपना पावरफुल बना सकते हो। फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना भी डीप क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं रहेगा। फिर अगले लास्ट 15 डेज सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां पर हम टारगेट को फिनिश कर लेते हैं। फिनिश कैसे, यानी अगर आप खुद को चेक करना चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर का कोई पेपर देता हूं तो वहां पर मेरा स्कोर क्या रहता है, तो उसके लिए हर प्रीवियस पेपर का आपका क्विज फॉर्म में मिलेगा, वहां पर खुद चेकआउट, यानी जैसे पेपर आया था ना उसी फॉर्म में आपको दिया जाएगा। आप पीडीएफ में लगाते हो, पीडीएफ में कभी भी पता नहीं कर पाओगे कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं।
और एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दिए जाते हैं जो कि एग्जाम में सीधा आपको उनसे बेनिफिट मिलता है। और इन सब जैसे आप प्रीवियस पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, वहां पर कुछ टॉपिक्स है जो आपसे नहीं बनेंगे, तो उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आपको रिवीजन नोट्स भी मिलते हैं। यानी आपको नोट्स भी नहीं बनाना, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जैसे जैसे हम बताते जाते हैं उसी पैटर्न से आपको स्टडी करना है। यानी पूरा 60 डे का प्लान है, यानी पहले 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, अगले 30 दिन में पहले 15 दिन में टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, अगले 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की प्रैक्टिस की जाएगी। इन एग्जाम में जो पैटर्न रहता है, एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न के हिसाब से। अब ये फेस यानी सर ये 60 डे की जर्नी हम कवर कैसे करेंगे, कहां पर कवर कराओगे आप, कहां पर ये टारगेट सर्च करोगे, कहां पर टारगेट लॉक करोगे, तो उसके लिए मार्च स्पेशल बैच है आपका संकल्प 2.0। यानी अब है सिर्फ और सिर्फ आपकी बारी, यानी अब आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, क्योंकि बाकी आपके जितने फ्रेंड हैं उन्होंने तो कर लिया क्वालिफाई। अब आज ही आप जुड़ जाइए संकल्प बैच के साथ और इस बैच में संकल्प लेके सीधा एग्जाम को कर दीजिए लॉक और क्वालिफाई कर लीजिए। जितना भी कंट्रीब्यूशन हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे। अब मिनिमम आपको लग रहा होगा सर इस बैच में इनरोल कैसे करें, तो इनरोल करने के लिए आपको कुछ लिंक दी हुई है, उन लिंक को फॉलो करना पड़ेगा। लिंक कहाँ पे मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वीडियो के कम्युनिटी टैब में मिलेगी, वीडियो के जो यूट्यूब की कम्युनिटी और वीडियो के कमेंट में, टेलीग्राम पर हो तो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप हो तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब इस बैच में जो कॉस्ट रहने वाली है, कॉस्ट आपका मिनिमम कॉस्ट रहेगा, इतना कॉस्ट रहेगा कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने सीपीसीटी क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि आज जो सीपीसीटी एग्जाम है जस्ट लाइक एलिजिबल एग्जाम है, अगर आपने सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं किया तो आप दूसरे एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ये आप एक प्राइमरी हो गया है सीपीसीटी निकालना। तो अगर आप सीपीसीटी निकालना चाहते हो तो रिजल्ट ओरिएंटेड अकेडमी के साथ जुड़ो भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं हम। और आपने अगर आप हमसे जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट देख के आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बीएसआई एकेडमी का रिजल्ट कैसा रहता है। क्योंकि हम पूरी टीम, मैं और मेरी पूरी टीम हर इंडिविजुअली पर्सन के साथ काम करती है, ऐसा नहीं है कि पूरा बैच चला रहे हैं। पूरा बैच तो निकलता ही है, लेकिन पर्टिकुलर स्टूडेंट को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इंडिविजुअली प्रोवाइड करते हैं। यानी हर स्टूडेंट पर प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्कोर कर पा रहा है, उसका इंप्रूवमेंट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लीक कर रहा है तो उसे आगे तक ले जाते हैं जिससे वो एग्जाम में आराम से क्वालिफाई हो जाए। अब इसके अलावा कोई अदर आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी सोशल मीडिया आपसे हमसे जुड़े हो वहां पर अपने डाउट इजी और आसान वे में क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।